alaikum grade 9 and grade 10 your teacher Faiza Nadeem here with your grammar lessons I hope all of you are fine I hope all of you are studying and I hope all of you are regularly going to your school as well okay let's go to the board and let's find out let's move on to the board so what is the board saying

यानी कि ये जो टेन लाइंस आपने लिखनी है जो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है ऑब्वियसली आप के के बच्चों की तरह थ्री फोर करके तो नहीं लिखेंगे ना आप खूबसूरत से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करके खूबसूरत सा पैराग्राफ लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट फाइव एन फाइव ठीक है तो ये पैराग्राफ राइटिंग इज कैरिंग एसेंशियल मार्क्स फॉर ग्रेड टेन आपको एसे और पैराग्राफ राइटिंग में ऑप्शन होती है टॉपिक होते हैं और तीन पैराग्राफ्स के टॉपिक होते हैं आपको इन सिक्स ओवरऑल और थ्री पैराग्राफ में से वन अटैम्प्ट करना होता है ठीक है इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स ठीक है तो आपको उसमें से सिक्स ऑप्शन में से एक अटम्प्ट करनी होती है और इसके बेटा मार्क्स है पंद्रह फिफ्टीन मार्क्स तो हाउ टू डू पैराग्राफिंग इन योर क्रिएटिव राइटिंग और हाउ टू राइट अ सिंगल पैराग्राफ इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर अप टूडे ठीक है सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज अ पैराग्राफ क्या होता है पैराग्राफ ठीक है क्या होता है पैराग्राफ ठीक है क्या होता है इंडेंटिंग करते पांच छ लाइन्स लिखते हैं और फिर हम जब हमारा दिल करता है हम उस पैराग्राफ को छोड़ देते हैं और दूसरा लाइन शुरू कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट इज पैराग्राफिंग इन आर क्रिएटिव राइटिंग इज पैराग्राफिंग इन आर लेटर रिपोर्ट यू आर अबाउट टू राइट इस तरह नहीं होता ठीक है इसके एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं सबसे पहले तो हम ये जानें कि व्हाट इज अ पैराग्राफ ठीक है अ पैराग्राफ इज अ सेक्शन ऑफ अ मोर और लेस लेंदी कॉम्पोजिशन लाइक एन एस एर ए चैप्टर ऑफ ए बुक एक लंबा सा कॉम्पोजिशन है एक एस ए है एक स्टोरी है एक किताब का चैप्टर है उसका एक सेक्शन है लाइब्रेरी अगर आप गए होंगे या आपने लाइब्रेरी के बारे में जाना होगा तो यू मस्ट नो दैट लाइब्रेरीज आर कंपराइजिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इसी तरह से आपका पैराग्राफ भी एक सेक्शन होता है लंबी सी क्रिएटिव राइटिंग का आपके टेक्स्ट बुक में ग्रेड नाइन की ग्रेड टेन की पैराग्राफ्स आर नंबर्ड ठीक है अभी तक आपने ढेर सारे यूनिट किए होंगे और जब आपने इन ढेर सारी यूनिट्स को चेक किया होगा तो हर पैराग्राफ एक डिफरेंट स्टोरी बताता है एक पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन में सेकेंड पैराग्राफ नहीं आता ठीक है जैसे ये आपको इसकी डेफिनेशन बता रही है ठीक है और अगर हम उन टेन लाइंस या उन पैराग्राफ राइटिंग की बात करें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती है 100 और 150 वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं। फॉर 100 एंड 150 वर्ड्स यू नीड टू हैव ओनली वन पैराग्राफ ठीक है तो वो पैराग्राफ्स uh, जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ मिनिएचर एसे मिनिएचर्स क्या होते हैं छोटे-छोटे ठीक है ओरिजिनल चीज की छोटी रेप्लिका वो मिनिएचर्स कहलाते हैं कभी आप जाओ ना कहीं भी किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे या किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे तो वो जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होती है बाहर जो उनकी फेयर प्राइस होती है उस मॉन्यूमेंट के मिनिएचर्स आर फॉर सेल ठीक है तो इसी तरह से जो आपकी पैराग्राफ राइटिंग है वो उस बड़े सारे ऐसे का मिनिएचर है पैराग्राफ क्या हुए हमने जाना क्यों है हमने जाना कितने मार्क्स कैरी करते हैं बोर्ड एग्जाम्स पे वी हैव लेट्स मूव ऑन टू द एलिमेंट्स ऑफ द पैराग्राफ पैराग्राफ राइटिंग के क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेन फाइव ऑन फाइव और फिफ्टीन ऑन फिफ्टीन लेट्स मूव ऑन टू दोर्ड राइट आप मेरे बोर्ड में देख रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है यूनिटी यस यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन बट ओवर हेयर इज द यूनिटी ऑफ द सेंटेंसेज दैट आर प्रेजेंट इन वन पैराग्राफ What is the description saying? The description is saying that each sentence must deal with one thought, one idea should be carried on by each sentence of one paragraph, not more than one. Aapka ek paragraph hai, wo ek idea or ek thought ko bayan karega. For example, you are writing about your visit to the zoo. Your first paragraph will be dealing with going on the journey. The second paragraph, if you opt to write about animals, then collectively write about all the animals, I mean vertebrates, not snakes and not birds. Okay? One idea and one thought will be carried on. Let's suppose that you start writing about the cat family the lions and the cheetahs and the tigers then this thought will be carried on in the entire paragraph and from the next paragraph you'll move on to the monkeys i hope you have understood my point because i am moving on to the next principle which is the topic sentence the first sentence of the paragraph is its topic sentence <laughs> अगर उसका पहला सेंटेंस ही आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो आपने उसको आगे नहीं पढ़ना एक बहुत फेमस टॉपिक सेंटेंस है अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस का ठीक है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स यानी वो बेस्ट ऑफ टाइम्स था फॉर द बुटनी टू स्टार्ट एंड वर्स्ट ऑफ टाइम था फॉर द नोबलमेन एंड द किंग्स एंड क्वीन्स टू एंड डे लाइफ तो जो पहला सेंटेंस ही बुक् का था उसने इतना कैप्टिवेट किया अपने रीडर्स को दैट द बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर फ्रॉम दैट डे ट्रिल नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी अ क्लासिक, ठीक है इसी तरह से जब आपके पैराग्राफ का फर्स्ट हो तो सेंटेंस होगा टॉपिक सेंटेंस होगा दैट शुड बी कैची दैट शुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट शुड स्टेट वॉट You have decided to write in the specific paragraph. What I have written on the board is usually the first sentence of the paragraph introduces the topic that is carried on by the rest of the sentences. So, the paragraph you are writing about, first I went to the lion's cage. The cat family had shown its magnificence with the magnificent lion. Roaring or basking in the sunlight. This is your se topic sentence introduced so the reader knows that you are writing about a cat family. Next is the order. There are multiple times in my lectures that I have told you that sequencing and order plays a very important factor. You have a journey to the zoo. और माय विजिट टू दू लिखा फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखा सेकंड पैराग्राफ में आप कैट फैमिली को बता रहे हैं बताते बताते कहते हैं आई वाज स्केट बट आई वाज स्केरियर व्हेन आई विजिटेड और वेर द स्नैक्स वर एंड एनोकॉन्डा स्केर्ड मीयर लॉट अब ये ऑर्डर तो ब्रेक हो गया ना आप वर्टी से एकदम रेप्टाइल्स में चले गए एंड देन यू विल मूव ऑन बैक टू द वर्टिब्रेट्स तो ये जो ऑर्डर है ना आपके पैराग्राफ का ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपको मल्टीपल टाइम्स मैंने ये समझाया है कि पहले माइंड मैप बनाते जब भी आप क्रिएटिव राइटिंग करने लगो पहले माइंड मैप बनाओ कि आपने क्या लिखना है जब आप माइंड मैप बना लोगे तो आपके ऑर्डर को ब्रेकेज नहीं लगेगी उसका सीक्वेंस कायम रहेगा अ पैराग्राफ मस्ट अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स और डेवलपमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट events must be related in order of their occurrence and all ideas should be connected with the leading idea and arranged according to their importance and order so order in paragraph writing is really really important A proper sequencing hogi 30% weightage hoti hai aapke orders ki. Toh is weightage ko humne lose nahi karna right paragraph should be in a proper order अब हमने क्या पढ़ा यूनिटी पढ़ा टॉपिक सेंटेंस के बारे में जाना और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डरिंग योर पैराग्राफ ये पढ़ा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिग्निफिक वराइटी अब ये जो पैराग्राफ राइटिंग का एलिमेंट है वराइटी दैट कैन बी स्किप्ड इन सिंपल पैराग्राफ्स वो जो आप टेन लाइंस लिखने लगे हो या आप हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड लिखने लगे हो This variety can be skipped in those paragraphs but if you are writing a, or if you are writing a creative writing and you are doing paragraphing in your creative writing then this variety can be followed. What does it say? It says that avoid the monotony. The paragraphs and sentences should be of different lengths and not always of the same sentence construction. If you have written an essay then paragraph थ्री फोर फाइव लाइन्स का लिखना है ठीक है एक टॉपिक सेंटेंस आपने डिसाइड किया है और आपने उस टॉपिक सेंटेंस को तीन सेंटेंसेस में खत्म कर दिया है तो गुड इनफ योर पैराग्राफ एंड्स ओवर देयर ठीक है दूसरा टॉपिक सेंटेंस लेट्स से यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर ब्रदर एंड यू टेलिंग हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम बट टू स्टडी मोर और आपने उसके टाइम वेस्टेज के जो लॉसेस है जो उसके ड्रॉबैक्स है वो बताए और वो आपके 12 या 13 सेंटेंसेस में आए और आपने उसके बाद में उसको ये कहा री किया कि आई होप यू विल लिसन टू मी दैट केम इन टू और थ्री सेंटेंसेस सो इट्स ओके इन फैक्ट इट्स गुड ठीक है कि आपकी जो वैरायटी है सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस में सेंटेंस साइज़ेस में और उनके आइडियाज़ में गिव्स अ वेरी वेरी कंप्लीट इफेक्ट टू योर क्रिएटिव राइटिंग ठीक है सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट नोट कौन सा इंपॉर्टेंट नोट है द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, एंड इट शुड अराइज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर द लास्ट सेंटेंस एक्चुअली सम अप द आइडिया ठीक है, जो आप आइडिया लिखना चाह रहे हो जो आप बताना चाह रहे हो वो उसको सम अप कर देता है ठीक है द फर्स्ट और टॉपिकलटेंस इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड द लास्ट सेंटेंस ब्रिंग्स द होल पैराग्राफ टू कंक्लूजन और समेट इन फैक्ट अगर हम सब चीज को रिकेपिटुलेट कर ले सब चीज को समराइज कर ले सब चीज को एक कूजे में बंद कर लें इस पूरे पैराग्राफ राइटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एक कूजे में बंद कर लें तो हम ये कहेंगे कि योर पैराग्राफ राइटिंग शुड हैव यूनिटी इट शुड हैव अ गुड टॉपिकल सेंटेंस इट शुड हैव अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स इट शुड हैव अ वैरायटी एंड अ फुल एंड राउंडेड कंक्लूजन टू एंड इट अ principles of paragraph writing and paragraph writing I'll move on to my last vote and I will discuss how you are going to write a few topics which I have picked out randomly from the past papers. Let's move on to the last vote. A merry last <laughs> vote we open a dream or an industrial exhibition yeah visit to the museum. अगर आप अब इस पैराग्राफ को लिख रहे हैं लेट से कि आप अ ड्रीम के बारे में लिख रहे हैं ठीक है थीके? तो आपने जो टॉपिक सेंटेंस चूज करना है आपका सारा पैराग्राफ उससे रिलेटेड हो ठीक है लेट्स से कि आपने ड्रीम के बारे में एक जनरल इन्फो देनी है कि व्हाट आर ड्रीम्स तो आपका जो है वो पूरा पैराग्राफ इस जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेट करेगा ठीक है व्हाट आर ड्रीम्स वी डोंट एक्चुअली सी ड्रीम्स ड्रीम्स आर द कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड द पीपल और पीपल है और ड्रीम इज द कम्युनिकेशन थ्रू विच ठीक है? तो ये इस तरह से आपने लिखना है फिर इसमें आपने अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिखना लेकिन अगर आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना चाह रहे हैं लाइक यू हैड अ ड्रीम इन विच यू वेंट इन विच यू हैड अंडरगोन इन विच यू हैव अंडर ह्यूज एडवेंचर, ठीक है तो फिर यू विल राइट अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली You will not write generally about the dreams or the mode of communications or rather how uh, saints and Sufis have actually corresponded to Allah Almighty through dreams. Okay. We it. We our personal experience. It was the best dream I ever had. Remember you have dreams, you don't see them. ख्वाब देखते नहीं हैं आप ख्वाब महसूस करते हैं ठीक है तो वेन एवर आर राइटिंग अबाउट योर ड्रीम्स यू हैव देम यू डोंट सी देम इट्स नॉट अप टू यू टू हैव वॉट एवर ड्रीम यू वॉन्ट टू ख्वाब आपकी मर्जी से नहीं आते ना ही ड्राउनी ना ही अच्छे ठीक है इसी तरह से एन इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट एन इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन यू वॉन्ट टू राइट अबाउट द बेनिफिट्स It provides to entrepreneurs or businessman. okay, let's leave it. Okay. Businessman is a good word. Alright, if you were writing about an industrial exhibition and you want to tell what kind of benefits, what sort of platforms, what sort of support an industrial exhibition brings to the businessmen, to the industry owners, you will stick to that topic only. You will not refer to your own personal experience regarding your visit to an industrial exhibition if you want to write about your own personal experience then you will directly go to the topic sentence saying that it was the most informative exhibition that i have ever attended in my life it was held such and such and there were such and such stalls and i came to know that pakistan is a very prospering country and we have a lot of business going on in the country and i got to know first hand information about a lot of different businesses so if you are going to write about that then you are going to write about that only you will not shuffle between these two topics ke wo businessman ko beneficial no जस्ट योर एक्सपीरियंस और अगर आपने बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उनको कितना फायदा था तो फिर आपने सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है ठीक है दैट सेम गोज टू अजिट टू द्यूज इफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट From the visit to a museum, then stick to that. Stick to that information or only that. That a visit to a museum can provide a student with a lot of background knowledge about our history and the histories of the other civilizations and the histories of the people who had been living in this specific area, in the area that is now called as Pakistan. But, if you want to write about your own personal adventure, then write about it only. Then write about it only. Okay. Following the principles of the paragraph writing that I have given you. अब आज हमने क्या किया आज हमने किया पैराग्राफ राइटिंग हमने ये जाना कि हम अपनी मर्जी से पैराग्राफिंग नहीं कर सकते पैराग्राफिंग के एक सेट ऑफ़ रूल्स होते हैं एक सेट ऑफ़ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको ज़रूर फॉलो करने हैं हमने उन प्रिंसिपल्स को यूनिटी को टॉपिक सेंटेंस को वैरायटी को एंड सेंटेंस को ऑर्डर को सबको अच्छी तरह से पढ़ा हमने ये जाना कि हम रैंडमली जो पैराग्राफिंग कर लेते हैं उससे हमारे ऑर्डर के मार्क्स डिडक्ट होते हैं अब मैंने आपको तीन रैंडम पिक्ड टॉपिक्स डिस्कस किए और उनके दो अल्टरनेट सॉल्यूशंस बताए कि यू कैन राइट ईदर ऑन दिस वन और यू कैन राइट ऑन दैट वन ठीक है आई होप दैट फ्राम टूडे ऑनवर्ड्स आफ्टर दिस लेक्चर यू विल नो हाउ टू डू योर पैराग्राफ राइटिंग तब तक अपना ख्याल रखिएगा पढ़ते रहिएगा लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़